हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में सीजी के कुछ अच्छे फाइट आपको 8-bit तक और जो जीटी टाइटेंस का जो टूर्नामेंट चल रहा है दोनों के आपको कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड वेलकम टू पिकाडो की आपको फाइट देखने को मिलेगी जहाँ पे जिंदा पैन आपको देखने को मिलेगा। और साथ में कल आपको बताइए मिरामर के मैप में 16 फिनिशेस निकाला था जहाँ पे आपको सीजी वर्सेस ओमेगा की भी फाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने वो मैच नहीं देखा है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो वेट कर लेना। ये वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके जाके देख लेना, बट आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा। अनवेल गेमिंग की फाइट होती हुई नजर आ रहे हैं, सामने प्लेयर थे नहीं, धीरे धीरे की कोशिश, बट फाइनली दे हैव स्टार्टेड टू मेक अ मूव। टीम का अनवेल गेमिंग एज पावर एज ऑलवेज, ही इज गोना बी द फर्स्ट मैन, बट हेक्टर भी है नजदीक। टीम लास्ट जोन के अगेंस्ट ये फाइट और लास्ट जोन के खिलाड़ी फॉल बैक करते हुए जा रहे हैं। उनके पास देखिए अम्यूनिशंस है नहीं, आर्म्स इतने अच्छे हैं नहीं। स्कल ओपी को ग्रेनेड के द्वारा डाउन किया गया है गॉब्लिन के द्वारा, और अब ये फाइट फाइनली होती हुई। देखिए यहाँ पे हम सबको बताया है गॉब्लिन के हाथ में नेड होते हैं तो वो थोड़े से और खतरनाक हो जाते हैं, बट यहाँ तो पीछे देख रहा था वो प्लेयर गॉब्लिन, अचानक रच करके वहाँ पे फेलियो को भी उन्होंने डाउन कर दिया। बट क्या वो यहाँ पे एक और नॉक निकाल पाएंगे? एस पावर जस्ट रैंडमली अंदर जा रहे हैं और वहां पे इतने सारे शॉट शॉटगन के दिए, फिर वेपन स्विच किया, प्लेयर को नॉक किया। एलजी आग से खेल रही है, एलजी इस समय पे एस पावर इज जस्ट टू क्विक। आप इनके अंदर की वो इच्छुकता देख रहे हैं कि कितनी तेजी से जाना चाहते हैं, रश करना चाहते हैं, बट अभी इतने गॉब्लिन वहां पे नॉक पड़े हैं। डैश करने की बारी तो आई है नहीं, उनके सामने वहां पे वो प्लेयर देखने को मिल जरूर रहा है, डैमेज बहुत, और ये तो नाइफ करने के लिए जा रहे हैं, इट सीम्स लाइक दैट। ये क्या देखा हमने यहाँ पे, एस पावर ने डिट्टो को जिंदा पैन किया है। और और अभी के लिए कार्निवल गेमिंग एक बार फिर से फाइट में जा रही है, और इस बार अली बाबा रेडर्स की बारी है। रोमन को डाउन किया है, राइट अवे कंफर्म कर दिया है। जेनिक्स एफएम इंतजार कर रहे हैं पहाड़ी के ऊपर से, 8-bit के खिलाड़ियों के ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे, और यहां बात करें 5 फ्रैग कार्निवल गेमिंग के खाते में आ चुके हैं, एंड टाइम अगेन दे आर प्रूविंग व्हाई दे आर ऑन टॉप राइट नाउ। पहले पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है। ओबे के एंटो ने आखिरी खिलाड़ी थे, ग्रेनेड से, खुद के ही ग्रेनेड से वो फिनिश होते हुए नजर आए। कोई गलती हुई होगी, ट्राई किया होगा, पर चलिए अभी के लिए कार्निवल गेमिंग के एस पावर के सामने थे, प्रो पी स्प्रे किया, प्रो वाला, और फायदा उठाया। बट राल्फ ओजी, आज के दिन पे इंटरव्यू लिया था इनका हमने, राल्फ ओजी चलिए इंटरव्यू की जो प्रथा थी वहां पे अपने लिए तो कुछ फ्रैग निकालने की कोशिश में काफी सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एस पावर का ये कंफर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा, नियो आ चुके हैं एस पावर को बचाने के लिए, बट सैडली राल्फ को इंतजार नहीं था। राल्फ आगे बढ़े और उन्हें टेक डाउन किया, बट राल्फ वर्सेस नियो की फाइट होती हुई, नियो को भी डाउन कर दिया है राल्फ ने, क्या कमाल का स्प्रे। हेक्टर अब आखिरी खिलाड़ी, हेक्टर दी आईजीएल कह लीजिए, हेक्टर दी असॉल्टर कह लीजिए, अब जरूरत है हेक्टर को परफॉर्म करने की, राल्फ को टेक डाउन करने की, स्प्रे करने की, बट सैडली कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सेकंड टाइम ही इज गोना ट्राई अगेन, बट अली बाबा रेडर्स के बचे हुए खिलाड़ी देखिए ये रीपोजिशन कर रहे हैं अपने आप को, और ये फ्लैंक हेक्टर के अगेंस्ट बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए अगर कोई सामने प्लेयर एमके चला रहा है तो बच के रहिए उस प्लेयर से, और एमके के सामने वहां पे मुश्किलें बहुत हुई, बट टू बी ऑनेस्ट इस पावर थोड़ा सा ग्रीडी हो गए नॉक प्लेयर को फिनिश करने के लिए, वो चाहते थे कि सेम स्प्रे में एक और प्लेयर को खत्म कर दें, बट ऐसा हो नहीं पाया। यू हैव प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। और इस बीच इस फाइट को सुनते आप देखिए कार्निवल गेम के खिलाड़ी हेक्टर और एस पावर, उनका यहाँ पर आगमन होता दिखेगा, जरूर से रोकने का एक प्रयास रहेगा, मगर क्या वो बच पाएंगे? चलिए एस पावर तो वापस आपको आते हुए दिखेंगे, मगर खिलाड़ी में पीछे दिखे थे हेक्टर, चलिए वो भी आ चुके हैं पूरी फाइट को छोड़ के, अपना काम करके जाएंगे। क्लच गॉड फाइनली क्लचेस इट आउट, बट इसके साथ उनको रिवाइवल भी कंप्लीट करना है, सर्कल के अंदर भी जाना है, इसी बीच ZF उनको कंफर्म किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग वो दूर से ही सही, बट अपना फायदा अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं। जाते-जाते दुनिया हिला दी है पूरी की पूरी, और काफी सारे खिलाड़ियों के लिए दिख रहे हैं, काफी टीमों के लिए यहाँ पे सिचुएशन खराब की। जैसे आएंगे तो गेटिंग द फ्रैग्स बहुत प्यार से इस पूरी फाइट का यहाँ पे आप देखिए नजराना ले रहे हैं, और एक 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 करके फिनिशर्स निकालना चाह रहे हैं। भले खिलाड़ी डाउन है, रिवाइवल हो सकता है, स्मोक की पूरी चादर बिछी है, सेफ खेलिए, संभल के खेलिए, फूक फूक के कदम रखिए, जैसे गॉब के 5 फिनिशेस हैं वैसे आप भी कमाल कर सकते हैं। 7 टोटल फिनिशेस कार्निवल गेमिंग, एंड अभी भी ये है कि गॉब्लिन का रिवाइवल भी कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, बट इन्फर्नो स्क्वाड बहुत ज्यादा करीब है। फेथ चारों तरफ से शॉट बरस रहे हैं, फोटेन हाइड्रो को नॉक आउट करेंगे सिली स्पोर्ट्स के साथ, तो इन्फर्नो स्क्वाड फाइट ले रहे, बट इसी बीच टीम भूसान उनका एलिमिनेशन में नजर आएगा। यहां पे कुछ नीड्स
तंग तो यहाँ उनको भी किया जा रहा है। टर्मी यहाँ पे एक नॉकआउट निकालेंगे, गॉल्सवेन वो भी अपना पूरा खाता खोल के खेल रहे, एक तरफ कार्निवल गेमिंग, एक तरफ इन्फॉर्म स्क्वाड। एक बढ़िया मौका है गॉल्सवेन के पास, एक बहुत सारा बड़ा एक फिनिशेस वाला गेम निकालने का। एनसी भी यहाँ पे रोकने की कोशिश, अर्ज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती हुई। रणवीर डोमिनेशन स्प्री पे जरूर से जा चुके, बट इसी मौके का फायदा उठाना चाहते। टर्मी को नॉकआउट किया गया है, उनको भी नॉकआउट किया जाएगा रणवीर के द्वारा। एक ट्राइफेक्टा का फाइट हमें नजर आ रहा है, गॉब्लिन एक ट्रेड निकालेंगे, रणवीर को फिनिश ऑफ किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन इज ऑन अ रैम्पेज मोड राइट नाउ, सात सोलो फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास है। कार्निवल गेमिंग आज के शुरुआत अपना एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिखा रहे सबके सामने। ओपन में खेल रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ओपन के इलाके को पकड़ के बैठे हैं। सारे खिलाड़ी को बचाने की एक पूरी कोशिश है। हेक्टर भले समाप्त है, अब ये बैटल होने वाली है प्रॉपर फाइट गॉड्स वर्सेस कार्निवल गेमिंग की। UNM के द्वारा नियो के ऊपर कनेक्शन, बॉबिन उन्हें भी डाउन किया जाएगा। एस पावर इज द ओनली गाय लेफ्ट फॉर द टीम। एस पावर अब यहां पर वो सुपर पावर चाहिए, यहां पर वो कमाल चाहिए। एस पावर इज आल्सो नॉट स्टॉपिंग, अल्टो के ऊपर एक कनेक्शन दिखेगा। ही इज स्टिल ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज स्टिल गिविंग हिज बेस्ट। एक और कनेक्शन अगर एस पावर के जाते हैं टीम के लिए और बेनिफिट। लुक एट दिस गाय, नॉट एट ऑल स्टॉपिंग। फाइनली टर्मी एक शटडाउन, मैचेस में कुछ अच्छा करे, बट अभी कार्निवल गेमिंग हेक्टर सरकार गेमिंग के एनोनिमस को डाउन करेंगे। गाड़ियों का प्रयोग, ये बैटल कार क्लैशेस की है, और अब देखते हैं कार्निवल गेमिंग किस तरीके से कार्निवल क्रिएट करती है। एनोनिमस का तो कंफर्मेशन आ जाएगा, चलिए आ चुका है कंफर्मेशन हेक्टर के। बगी काफी तेज भी मानी जाती है, बट सुपर कार्स में चेज करते हुए नियो भी यहां पे अपनी बगी के साथ है। रास्ता रोकना चाहते हैं, टक्कर मार दी टक्कर। चलिए फ्लैग मिलेगा, जी हाँ मिलेगा। सरकार गेमिंग एक और प्लेयर गवाया उन्होंने, टक्कर मार के प्लेयर्स को टेक डाउन कर रहे हैं। चलिए ये अच्छी बात है, सारे के सारे प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। और अब गॉब्लिन भी एक और खिलाड़ी के एसआर को ढूंढने की कोशिश, उनको चेज करते हुए। क्या केएसआर का भी फ्रैग आएगा? मुझे नहीं लगता, केएसआर काफी आगे निकल चुके हैं और अब तो मिनी मैच। और इस मुकाबले में भी लास्ट जोन के अगेंस्ट फाइट मिरामार का मुकाबला था, और ये देखिए स्कल ओपी के रूप में वो नॉक आ चुका है। गाड़ियों का प्रयोग, लास्ट जोन के बचे हुए खिलाड़ी थोड़ा सा डिस्टेंट है अभी के लिए कार्निवल गेमिंग से। गॉब्लिन उतर के स्प्रे देने की कोशिश, लास्ट जोन अपना इलाका जो था वो छोड़ रहे हैं, गाड़ी मोड़ ली है। अग्रेशन दिखाने के चलते प्रॉब्लम्स में जा रही है टीम, बट कार्निवल गेमिंग को देखिए हेक्टर जोन के बाहर कहां तक गए हैं चेस करने के लिए। गाड़ी वहां खड़ी थी, वीएसटी के प्लेयर सडनली वहां तक पहुंचे, गाड़ी में बैठे बैठे बहुत परेशानियां डाली है यहाँ पे, और ये नया थोड़ा सा एक मेटा सा बन चुका है कि आप गाड़ी में बैठते हैं। बट सिलिक अभी भी यहाँ पे टिके हुए इस मैच के अंदर, मॉर्टल्स वो बचे थे, बट ये आखिरी शॉट, ये आखिरी स्प्रे, एंड दैट इज ऑल दे गोना गेट। कार्निवल गेमिंग अभी भी तीन प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है उनके, लेकिन जिस तरह से टीम्स खत्म हुई है इस सर्कल में, इनसेन, दैट इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। बहुत ज्यादा हर मुकाबला अलग तरीके से हो रहा है। सेवन शोर के मंगलू ने आरए के टाइगर को डाउन किया, सिली स्पोर्ट्स के मॉर्टिस भी शटडाउन हो गए थे, और इसी के साथ आखिरी खिलाड़ी रणवीर थे, उनके साथ पूरा टीम एलिमिनेट हुआ। लास्ट जोन के खिलाड़ी चाहते थे, इनको भी नुकसान होता, और फाइनली हंटर्स आखिरी खिलाड़ी वो शटडाउन हुए। कार्निवल गेमिंग फाइट में जाती हुई, कार्निवल गेमिंग एक बार फिर से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाती हुई फाइट में जा रहे हैं, फाइट निकाल रहे हैं। 8-bit का स्क्वाड लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट, 8-bit के लिए भी a lot of points to prove, उनको भी क्वालिफिकेशन करवा। अलग थलग वो फंसे हुए थे, बट कार्निवल गेमिंग के दो प्लेयर्स को डाउन किया, तीसरा प्लेयर यहाँ पे बैकफुट पे, नियो द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या मोलोटोव के साथ रास्ता रोकने में कामयाबी उनको मिलेगी? अभी के लिए तो बाहर वो कूदना चाहते हैं, बाहर वो कूदे भी सही, बट 8-bit जंप शॉट्स आए, जंप शॉट कनेक्ट करे, और 8-bit ने खत्म किया। टीम नॉनएक्स जिन्होंने शुरुआती लम्हों में वो फाइट करी थी, बट कार्निवल गेमिंग सामने आई है वो गाड़ी और कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही उनके अपोनेंट के सपोर्टर ने वहां पर करा है नॉकआउट। एस पावर को मदद की यहां पर गुहार, लेकिन पीछे से अगर देखा जाए तो सीरवी, बहुत देर से देखा जाए तो वो स्पॉटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। सीरवी आगे जरूर गए हैं, उनको पता है क्लोज रेंज की फाइट को निकालना पड़ेगा, बट क्या निकाल पाएंगे? जी नहीं, गॉब्लिन तैयार थे, क्लोज रेंज पे भी उनको मात देंगे, बट एस पावर तक अभी भी वो मदद पहुंची नहीं है। एक खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ है सीवी के रूप में, और शायद उनको भी यहाँ पर डाउन करके पूरी फाइट निकाली जा सकती है, बट क्या ये आवश्यकता है? गॉब्लिन अब ओपन में जाकर उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट हेक्टर है, हार नहीं मानेगा ये खिलाड़ी, हार नहीं मानेगा ये कप्तान, और अपनी टीम को बचा तो जरूर लिया, लेकिन एक और अब आ चुके हैं, एक और शिकारी इनसेन, वो है टीम हॉक। नियो और हेक्टर दो ही खिलाड़ी बचे हुए, टीम हॉक ने फाइट होते हुए देखा और उन्होंने तुरंत आके फायदा उठाया, और जरूरी भी है, बट अब उनकी बैटल है। कार्निवल गेमिंग आई डोंट थिंक दे आर गोना फॉल बैक फ्रॉम हियर,
वो ऑलरेडी बहुत ऊपर है। बिलीव सामने से आते हुए बगी घुमाते हुए, मौका है यहाँ पे, बिलीव को डाउन करेंगे। जी हाँ, नियो बिलीव के रूप में एक नॉक निकलता हुआ, बिलीव के रूप में एक ओपनिंग मिलती हुई। हॉकी स्पोर्ट वेज पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यश भी है वहां पे, अवनीश भी है वहां पे, हेक्टर इंतजार नहीं करेंगे। बिलीव इन बिलीव, और अभी के लिए देखिए शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन कार्निवल गेमिंग के हेक्टर सामने की तरफ से प्लेयर ग्रेनेड सही जगह पे गिरा है, अवनीश को मिलेगा वो नॉक हेक्टर का। बट अब नियो, 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 इससे पहले भी बहुत बार इस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है, आज के दिन पे भी करके दिखा सकता है। 1v2 की स्थिति, ग्रेनेड थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, वेद पीछे से कवर देने के लिए है, इसीलिए नियो को पिन किया हुआ है, यहां से कुछ खास मूवमेंट की स्पेस नहीं है। बट अवनीश का ग्रेनेड, ये ग्रेनेड सही जगह पे।